हाल ही में इस बात का खुलासा हुआ है कि सलमान खान ही रेस 3 में मुख्य भूमिका निभाते दिखाई देंगे। इस समय वो अपनी फिल्म टाइगर जिंदा है का आखिरी भाग शूट कर रहे हैं, जिसके खत्म होते ही वो अगले महीने रेस 3 की शूटिंग शुरू कर देंगे। आपको बता दें कि डायरेक्टर रेमो डिसूजा इस समय अबू धाबी में रेस 3 के लिए लोकेशंस फाइनल करने में लगे हुए हैं, ताकि फिल्म की शूटिंग के समय किसी प्रकार की परेशानी ना आए। हालांकि अब इस फिल्म से जुड़ी एक ताजी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि भाई जान ने रेस 3 के लिए जितनी फीस की मांग की है वो लोगों के कान खड़े कर देगी। जी हाँ, खबरों के अनुसार सलमान खान अपनी नई फिल्म रेस 3 की प्रॉफिट शेयर करेंगे। एक सोर्स के मुताबिक भाई जान ने फिल्म के प्रोड्यूसर्स से कहा है कि वो रेस 3 की कमाई का 70% हिस्सा लेंगे। ये तो हम जानते ही हैं कि सलमान खान अभी तक अपनी फिल्म की कमाई का 50% हिस्सा ही लेते हैं। सलमान खान की इतनी बड़ी मांग के बावजूद भी फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने हाँ कह दी है। वैसे आपको बता दें कि इस फिल्म में सलमान खान के साथ साथ जैकलिन फर्नांडिस मुख्य भूमिका निभाती दिखेंगी। इसके अलावा फिल्म के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम भी सामने आ रहा है कि वो फिल्म में दिखाई दे सकते हैं। टीम इंडिलिंग्स।